नमस्कार। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है, जलचर राशि है और मकर राशि का जो कष्टकारक समय था वो धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। मकर राशि के जातकों को बहुत सावधानी किस बात की रखनी, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, अंत तक देखना, आपको बहुत लाभ होगा। कई सारी बातें ऐसी गूढ़ बातें हैं जो कभी सुनी नहीं होंगी और वो आपके साथ घटित होने वाली है सभी मकर राशि वालों के लिए। ये कॉमन प्रिडिक्शन है। ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजिशन क्या क्या कह रही है, धैर्य से और ध्यान से सुने। मकर राशि पर साढ़े साथी का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है 2 महीने के बाद। उसके बाद राहु जो चल रहा है ये आपके लिए अशांति का कारक बना हुआ है। क्या आपकी माताजी को कष्ट, माताजी के पेट में, घुटने में, हड्डियों में दर्द की शिकायत, आपको कोई भी घर में निर्माण कार्य करना पड़ सकता है, कोई भी जानवर, कहीं भी निर्जन स्थान में आप जा रहे हैं वहाँ सांप बिच्छू ऐसे जो हिंसक जानवर होते हैं काटते हैं जो, उनसे बचना है आपने। चतुर्थ राहु क्या करता है, मकान का निर्माण हो रहा हो तो सांप निकल आता है उसमें, और जो कुत्ता है कोई पागल कुत्ता घर के सामने बैठता है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके घर में चींटी या दीमक हो जाएंगी, तो ये सब एक अच्छा लक्षण नहीं कहा जाता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और एक महत्वपूर्ण बात यही है कि दशम भाव में जो केतु है और चतुर्थ राहु, ये आपको नौकरी, व्यवसाय, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी और स्थानांतरण, मकर राशि वाले जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी में, उनके ट्रांसफर किसी ईर्ष्या के वशीभूत या चिढ़ करके लोग आपका ट्रांसफर कराएंगे तो आपको अशांति होगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, संतान के प्रति चिंता। मंगल जो ग्रह है 13 नवंबर से 12 मार्च 2023 तक एक ही जगह बैठा रहेगा, ये वक्री होगा, रेट्रोग्रेड मोशन में। ऐसा ही ग्रह सन 1990 में आया था। 8 महीने तक मंगल एक राशि में रहा, शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहा था। ठीक इसी प्रकार अभी जो ये मंगल है 12 नवंबर तक षडाष्टक योग बनाएगा, कष्ट देगा मकर राशि को, पैर में कष्ट देगा, चेहरे पर, शरीर पर कोई कष्ट दे सकता है, सावधानी की आवश्यकता है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करा सकता है। लेकिन आपकी जो संतान है उनके एजुकेशन में या आपके खुद की बुद्धि को इतना क्रोधित कर सकता है तो विवेक से काम लें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा अशांति टेंशन ना लें कोई भी व्यक्ति, नहीं तो आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है, कोई न्यायालय में कोई मामला लंबित हो सकता है, तो बहुत सचेत होकर के चलने की आवश्यकता है। एक बात खास ये है कि जो राशि बहुत दिन तक पीड़ित रहती है, साढ़े साथी का बहुत खराब प्रभाव आपके ऊपर रहा है, यद्यपि शनि मकर राशि का स्वामी है फिर भी आपको जो पीड़ा रही है, एक मजदूर जब धूप में काम करता है 3-4 घंटे उसके बाद छाया में बैठता है, उसको जो शकुन मिलता है और जल पीता है बड़ी राहत मिलती है, वो स्थिति आपकी होने वाली है। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ साथ जब बृहस्पति आ जाएगा तो केंद्र में बृहस्पति क्या लाभ करता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जब केंद्र में बृहस्पति आता है तो कोई भी जो अनिष्टकारी ग्रह हैं वो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, आपको लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जिस तरह के व्यवधान और परेशानी चल रही थी उस पर ब्रेक लग जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप कोई ना कोई जो अपने इष्ट देवता हैं उनकी पूजा जरूर करें, आपको आत्मिक शांति, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। मुसलमान अपने खुदा की पूजा करें, कलमा पढ़ें,
सिख अपने गुरु ग्रंथ साहब या सुखमणि साहब का पाठ करेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। ठीक इसी प्रकार आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लाभ होगा। हर धर्म का व्यक्ति, जैन धर्म के लोग नमोकार का जाप करें 5 मिनट सुबह, आपके कार्य सफल होंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे, आपकी जीवन में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और एक बीज मंत्र है मकर राशि के लिए खास तौर से, क्योंकि इनकी लाभ स्थान का स्वामी मंगल है। ओम हनुमते नमः, ये बीज मंत्र है, इसको जपने से एकदम इंस्टेंट, जैसे इंजेक्शन लगाते ही आराम होता है रोगी को, 5 बार बोल करके देखो और लाभ होगा आपको। मानसिक शांति जरूर मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।